हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेल्स के जो सेल्स का आप लेजर बनाते हैं टैली में, तो टैली के अंदर जो सेल्स का लेजर बनाया जाता है वहां पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी कैसे लगा सकते हैं। अगर आपने जीएसटी को एक्टिवेट कर रखा है और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी वहीं से लगाना चाहते हैं, यानी सीधा सेल्स वाउचर में जाकर के या परचेज में कह लीजिए, सेल्स में नहीं बल्कि परचेज में कह लीजिए, तो वहां पर जाकर के कैसे ये लगाया जा सकता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी बटन प्रेस करना है और वी बटन प्रेस करके आ जाना है परचेज वाउचर में। तो ये हमारा परचेज वाउचर आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक न्यू कंपनी बनाएंगे और न्यू कंपनी में ये समझेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जीएसटी एक्टिवेटेड है और तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पर न्यू कंपनी बनाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी एक कंपनी का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द कंप्यूटर ग्रुप दे देता हूँ नाम, द कंप्यूटर ग्रुप, ठीक है। ये कंपनी का नाम हो गया आपके, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर जो है आपका लोकल एड्रेस आएगा, तो जो भी आपका लोकल एड्रेस हो वो भर लीजिएगा, DEORIA। तो ये हो गया, आप एंटर करें, एंटर करें और यहाँ पे उत्तर प्रदेश रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ पे 274001 कर देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पर ये डेट तो यही रखनी है हमें, तो एंटर करके आ जाते हैं नीचे, ठीक है। हालांकि 2024 चल रहा है लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है आकर के, और ये देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसे आपको यस करना है और यहाँ पर जो है आप चाहे तो जीएसटी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएसटी आई एन अपना डालना होता है, तो जो भी आपका जीएसटी आई एन हो वो जीएसटी आई एन डाल दीजिएगा, एंटर करके नीचे आइएगा। यहाँ पर आप चाहे तो रेट सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ रेट सेट कर देता हूँ 12% का, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं और यहाँ पर एंटर, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराया, कंट्रोल ही कर लेते हैं। तो ये हमारी कंपनी बन गई है। अब यहाँ पर जब हम परचेज करते हैं ना, तो अब चूंकि हमने तो 12% सेट किया है, तो परचेज करते वक्त ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर हमने दे दिया और यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी बना लेता हूँ, जैसे लोकेश कर देता हूँ और यहाँ पे सी कर देता हूँ। सी से पता चलेगा ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर की स्पेलिंग भी सी से ही शुरू होती है, दैट्स वाई। और यहाँ पर ये ग्रुप जो होता है ना वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर लीजिएगा और एंटर करके, एंटर करके नीचे आइएगा, एंटर करके, एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले तो इसे एक्सेप्ट कराते हैं, जैसे ही परचेज वाले लेजर पे हम आएंगे ना, वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। क्या रखना है, अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे किसका, परचेज अकाउंट का। तो यहाँ पे परचेज का ही लेजर आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देंगे, अगर सेल्स है तो सेल्स का आएगा, परचेज है तो परचेज का आएगा। तो यहाँ पे कर देंगे परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट करने के बाद इसका ग्रुप परचेज अकाउंट रख लीजिएगा। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। यहाँ पर देखिए दिया गया है नीचे जीएसटी अप्लीकेबल, और यहाँ पे आप यहाँ से भी आप अल्टर कर सकते हैं जीएसटी को, तो यहाँ पे जाइए, बाकी आपका डिस्क्रिप्शन और HSN और SSC कोड हो आपका तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है तय कर सकते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रहा। तो हमारे केस में तो परचेज टैक्सेबल है, तो हम परचेज टैक्सेबल रख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम 5% ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये 5% कर दिया और ये गुड्स है, सर्विसेज नहीं है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गए। अब जरा देखते हैं कि इस पर जो जीएसटी अप्लाई हो रहा है वो 5% हो रहा है कि 12% हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 12% लगा दिया गया था। तो यहां पे अल्ट सी करके समझना होगा, तो अल्ट सी किया हमने और यहां पे समझते हैं गुड्स में हम कीबोर्ड कर देते हैं, ये हो गया कीबोर्ड, एंटर किया, KEYBOARD कीबोर्ड हो गया, एंटर किया। और यहां पर आकर के यूनिट बना लेते हैं, तो यहां पे मैं NOS कर देता हूं और यहां पे नंबर्स कर देंगे, नंबर्स ये हो गया, और यहां पे N कर देंगे तो ये नंबर्स आ जाएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। बैचेस की डिटेल चाहे तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं, आप जीएसटी को यहां से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहां से चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि परचेज में ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है। तो अगर 50 कीबोर्ड की बात करें और 120 रुपये खरीद रेट हो हमारी, तो इस पर जीएसटी कितना आएगा, तो जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सेम स्टेट का मामला, इसीलिए CGST, और इसका ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगाइए और यहाँ पे ये जीएसटी है, सेंट्रल टैक्स है, एंटर करिए और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग रख के एंटर करके, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए। तो देखिये यहाँ 150 रुपये आ रहा है, और फिर यहाँ पे SGST की बात करते हैं, तो ये SGST हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, जीएसटी ही रहेगा, स्टेट टैक्स रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, एंटर करिए, एंटर करिए, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो देखिए 150 रुपये आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो टैक्स रेट यहाँ शो हो रहा है ये कितना परसेंट लगा है, तो इसको अलग अलग तरीकों से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले तो इसे एक्सेप्ट कराते हैं, नरेशन नहीं डालता हूं मैं,
इसे एक्सेप्ट करा लिया। एक्सेप्ट कराने के बाद बाहर आएंगे इसके बटन प्रेस करके, और यहाँ पे दो बार डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखेंगे ये हमारा जो है जो हमने बिल बनाया था वो बिल है हमारा। और यहाँ कॉन्फिगर पे जाएंगे और बाकी यहाँ पर दिखा रहा है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर स्टेटरी वाले टैक्स सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पे सो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, तो यहाँ पे जीएसटी रेट हम परसेंट में देखेंगे, तो यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा तो ये यस हो जाएगा। कंट्रोल ए कर दीजिएगा और आई प्रेस कर दीजिए प्रीव्यू के लिए, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंट जीएसटी लगाया, 5% लगाया गया है, देख सकते हैं। लेकिन जब हम परचेज का लेजर हटा देंगे या परचेज के लेजर में चेंजेस करेंगे तो जीएसटी भी चेंज होगा, कैसे आइए दिखाता हूं। यहाँ पे तो 5% हो गया, लेकिन अब एक दूसरी एंट्री हम पास करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, वी बटन प्रेस करते हैं, परचेज में ही दूसरी एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल के, और क्रेडिटर पार्टी सेम है हमारी, ये चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस बार परचेज में चेंजेस करने हैं। तो परचेज में चेंजेस तो पहले लेजर में जाना होगा, तो लेजर में चेंजेस करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पर, और यहाँ पे अल्टर पे आके और यहाँ लेजर पे आके देन यहाँ पर आपको परचेज के लेजर को अल्टर करना है। किसको अल्टर करना है, परचेज के लेजर को, तो ये परचेज अकाउंट वाला लेजर है, यहाँ पर आइए और यहाँ पे सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल पे आ जाइए, और इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार 10% कर देता हूँ। तो देखिए अब ये 5% के हिसाब से डिवाइड हो गया और ये कुर्सी रखा हमने, और अब अगर इसी कीबोर्ड पर 10% लगा, देखिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड वाली ही एंट्री कर रहा हूँ लेकिन इस बार 10% आएगा, कैसे देखिए, यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर आ गए। और यहाँ पे कीबोर्ड की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 40 कीबोर्ड की बात करते हैं, एक कीबोर्ड की खरीद रेट 120 रुपये, तो यहाँ पर अब टैक्स जो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी 240 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब एसजीएसटी कर देते हैं तो ये देखिए ये आ गया आपका, अब इसको एक्सेप्ट कराइए और यहाँ पे बाहर आना है और यहाँ पे दो बार डी प्रेस करके इसको देख लेते हैं। तो ये दो नंबर वाला वाउचर था हमारा, अल्ट के साथ पी करेंगे, अल्ट पी और एंटर करेंगे, और यहाँ से कॉन्फिगर करके देख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर नीचे टैक्सेशन वाले में आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यस है, तो कंट्रोल ए कर देते हैं और यहाँ पे आई बटन प्रेस कर देते हैं। तो देखिए इस बार कितना परसेंट है, पहले तो कितना था, 5 था, अब कितना है, 10 है गलती से। लेकिन अगर चेंजेस कर दी जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब अगर हम एंट्री पास करते हैं और इसमें चेंजेस कर देते हैं, बी बटन प्रेस किया और यहाँ पर क्या करते हैं, ये कर दिया हमने, और यहाँ पर आएंगे इन्हीं का लेजर लगाते हैं और एंटर करते हैं एंटर करके नीचे आते हैं परचेज। अब देखिए ये परचेज वाला हमको चेंज करना होगा, तो चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर के लेजर में आएंगे, और लेजर में आकर के हमें किसका लेजर चेंज करना है, तो परचेज का, तो यहाँ पर आकर के एंटर करिए और यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पर इस बार कर देता हूँ 18%, इस पर 18% लगा दिया, अब ये सब एक्सेप्ट करा लिया। तो अब जब एंट्री पास करेंगे तो 18% के हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे देखिए ये लगा दिया, एंटर किया और यहाँ पे लोकेश क्रेडिटर पार्टी आ गई, एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। अब यहाँ पे कीबोर्ड की ही बात कर लेते हैं, तो ये कीबोर्ड हो गया, तो 5 कीबोर्ड की बात करते हैं, 120 एक की, तो 5 कीबोर्ड की कीमत आ गई, यहाँ पे सीजीएसटी कर दिया और यहाँ पे एसजीएसटी कर दिया। लेकिन अब कैसे पता कि जो है कितना परसेंट लगा है, तो कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा लीजिए, बाहर आइए और यहाँ पे दो बार डी प्रेस करते हैं, और यहाँ पे देखिए तीन नंबर वाला जो था यही हमारा था, अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए अब कितना परसेंट लगा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 18% यहाँ पे जीएसटी लगा हुआ है, इसके पहले 10% दिखा रहा था, अब 18% हो गया। तो इस तरीके से परचेज में भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।